नमस्कार, आप देख रहे हैं ANS मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मंगलुरु हिल्टन होटल, जहां 3 दिवसीय आइका द्वारा कैसु कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। आइए देखिए इस रिपोर्ट को। हिल्टन होटल में जो 3 दिवसीय आइका कन्वेंशन का आयोजन किया गया है, उसमें दिल्ली से रविंद्र मेहता जी भी आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं आइका के बारे में और आइका के प्लानिंग के बारे में। सर, ANS मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू रंजन, थैंक यू। सर, 3 दिवसीय आइका का आयोजन किया गया है, कैसु कन्वेंशन का आयोजन किया गया है हिल्टन होटल मंगलुरु में, इसकी प्लानिंग क्या है आइका का, क्या कहेंगे? देखिए, आइका जो है वो एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है, जो सारे 9 कैशु एसोसिएशन्स की एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है। बहुत समय से ये एक नीड थी कि एक ऐसी एसोसिएशन बने जो इंडिया के अंदर काजू को प्रमोट करे। काजू हमारा भारतीय नट है, हमारा अपना नट है। उसको प्रमोट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक एसोसिएशन नहीं थी जो कारगर रूप से काम करे। अभी जैसे आपने सेशन में भी देखा कि 3-3.5 लाख टन के ऊपर स्टेगनेंट रही है मार्केट। उस मार्केट को 3.5 लाख से 5-5.5 लाख टन की कंजम्पशन पर पहुँचाने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो कि इसको मार्केट करे, जो कि काजू के मिथ के बारे में लोगों को उनके सवालों का सही तरीके से जवाब दे और उन्हें बताए कि काजू भी उतना ही हेल्दी नट है जितना बादाम है। तो आइका ने बहुत वंडरफुल काम किया है इस एसोसिएशन को, इस कन्वेंशन को, इस हिल्टन होटल बेंगलोर में करके। कल गुंजन जैन, जो कि NDFC के चेयरमैन हैं, आप संस्थापक मेंबर हैं, NDFC और आइका के बीच एक सिग्नेचर हुआ। इन दोनों संस्थाएं मिलकर के ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री को कहां ले जाना चाह रही है, क्या कहेंगे? देखिए, नट्स एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल जो है वो सारे नट्स की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बड़ा स्वाभाविक था कि NDFC और आइका का एक करार हो, जिसके अंदर NDFC ने प्रॉमिस किया है काजू को प्रमोट करने के लिए कुछ फंड्स भी दिए गए हैं और एक साथ काम करेंगे। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि NDFC क्योंकि वो सब नट्स की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर और काजू आइका की जो कैशू की जो ऑल इंडिया कैशू एसोसिएशन है, उस पे काम करने से इनको दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कामत सर के लिए क्या कहेंगे दो सब? देखिए, उनके लिए तो कहना जितना कहें उतना कम है। आज वो इस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं जहाँ पे वो इंडस्ट्री का ख्याल रख रहे हैं। व्यापारिक संस्थान तो उन्होंने बिल्ड कर दिया है अपनी बोला एग्रोस प्राइवेट लिमिटेड से, लेकिन अब वो अपनी इंडस्ट्री को वापस दे रहे हैं काजू की प्रमोशन करके। NDFC के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनका बहुत मैं समझता हूँ कारगर काम रहा है आइका को बनाने में और NDFC को बनाने के अंदर। तो उनकी जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। आई थिंक वो बहुत फ़र्क पड़ता है उनके एक्सपोजर के बारे में। तो आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर राहुल रीचिंग एट दिस स्टेज एट सच अ यंग एज टू वर्क फॉर द इंडस्ट्री। मेहता सर, ANS मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजन, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रविंद्र मेहता जी को। इसी तरह ANS मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।